तुम्हारा ये जो काव्य खंड है गोधूली का काव्य खंड है ना, पहला चैप्टर है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। ये पहला चैप्टर है और इनके लेखक हैं, कवि हैं गुरु नानक जी। कवि कौन है? गुरु नानक जी। सबसे पहले इनके परिचय हम जानते हैं। देखिए लेखक परिचय में इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी। कब हुआ था? 1469 तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। ये अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले पाकिस्तान भी कहाँ था? भारत में ही था, तो इनका जन्म स्थान भारत माना जाता है, लेकिन अभी कहाँ है वो? पाकिस्तान में। और इनका जो जन्म स्थान था तलवंडी ग्राम जो है वह नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ना। और इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता था, समझ गए। और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षिणी। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षिणी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469। कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम जिला। पिता का नाम कालू चंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता। इन्होंने, पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षिणी। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धार्मिक उपासना पर बल दिया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है इन निम्नलिखित में कौन कवि हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक उपासना पर बल दिया, तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक जी जो हैं सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे, है ना। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक का जो है भेंट किससे हुआ? तो मुगल शासक सम्राट बाबर से इनका भेंट हुआ। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी। इनकी रचनाएं जो है जपू जी आशा दीवार, रही रास और सोहिला। ये आशा दीवार जो है वह बार बार पूछता है, आशा दीवार। उसके बाद सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए? समझ गए। इतना लेखक परिचय के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं चैप्टर के बारे में, ध्यान से। चलो शुरू करते हैं। पहला लाइन है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि इस जग में है ना, इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, है ना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, यानी इस संसार में अगर आप जन्म लिए हैं तो राम का नाम लेना है, है ना। अगला लाइन है आपका कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहुफल मटी भ्रमना, यानी आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफल मटी भ्रमना। यानी नानक जी कहते हैं कि जो जन्म लिए हैं इस संसार में, जो जन्म लिए हैं, अगर आप है ना राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप विष खाते हैं। यानी खाते समय अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, और आपका मटी जो है वह हमेशा भ्रमित रहता है। यानी राम का नाम का मतलब, जैसे आप हिंदू लोग हैं तो हम लोग राम का नाम लेते हैं, लेकिन जो मुसलमान है वो अपना अल्लाह का नाम लेता है। यहाँ राम का अर्थ होता है ईश्वर। राम का अर्थ क्या होगा? ईश्वर। यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो इस जन्म, इस जग में, इस संसार में जन्म लिए हैं वह राम के नाम लीजिए, राम के नाम के बिना इस जग में जन्म क्या है? व्यर्थ है, है ना। अगर राम का नाम नहीं लेते हैं खाते समय तो वह बिख खाते हैं, अगर बोलते भी हैं तो वह विष ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष। और राम के नाम के बिना आपका मति जो है हमेशा क्या रहता है? भ्रमित रहता है। यहाँ तक समझ गए। आगे है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करें, है ना। यहाँ तिकाल होना चाहिए। देखिए पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, यानी पुस्तक आप खूब पढ़ लिए है ना, बहुत जानकारी आपके पास है, आप व्याकरण का बखान करते हैं। संध्या कर्म तिकाल करे, यानी तीनों समय है ना, सुबह दोपहर और शाम, तीनों समय आप खूब आरती करते हैं, है ना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जि मरे। उसके बाद गुरु नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के शब्द के, गुरु के उपदेश से
आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। और राम नाम के बिना आप जो है इस संसार में मोह माया के संसार में क्या हो जाएंगे, उलझ कर रह जाएंगे। अरुचि का मतलब होता है उलझ कर मर जाना, है ना। अभी कमा रहे हैं, अगर कमाइएगा तो आपका मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब है। लेकिन आप नहीं कमाइएगा आपको कोई पूछने नहीं, है ना। ये सब मोह माया है। गुरु नानक जी कह रहे हैं ये संसार क्या है, मोह माया है। आगे, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, है ना। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पर, है ना। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे, यानी आप चुट्टा ले लिए हैं, दंड का मतलब चुट्टा होता है, कमंडल ले लिए हैं, शिखा बढ़ा लिए हैं, चोटी, शिखा मतलब समझ रहे हैं, चोटी। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय का जो खुर होता है ना, खुर समझते हैं, हाँ, पर उसका जो खुर होता है उस खुर के बराबर जो है टीक को रखना चाहिए, शिखा को रखना चाहिए, हिंदू धर्म में माना जाता है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यानी आप चुट्टा ले लिए हैं, कमंडल ले लिए हैं, है ना। सूत का मतलब होता है जनेऊ पहन लिए हैं, धोती पहन लिए हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, इतना सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन राम नाम के बिना आपको शांति नहीं आएगी, है ना। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, और हरि का नाम जप कर ही, यानी उस ईश्वर का नाम जप कर ही आप इस संसार में, है ना, भव सागर को पार कर सकते हैं, अर्थात मोह माया को पार कर सकते हैं, समझ गए। एक दोहा है, इस पर ध्यान से सुनिए, कह रहा है कबीर दास कहे थे कि कौन कहे थे, हाँ कह रहे थे, बहुत सारे आप लोग साधु महात्मा देखे होंगे तो चोटी इतना दूर बढ़ा लेगा, दाढ़ी इतना दूर रख लेगा, गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, एकदम घूमेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, कभी केदारनाथ जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी बाबा धाम जाएगा, है ना, कभी वैष्णो देवी जाएगा। लेकिन गुरु नानक जी कह रहे हैं इतना सब कुछ करने से कोई फायदा नहीं, आप राम का नाम लीजिए, बिना राम के नाम का आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मन न रंगाए जोगी, रंगाए लियो कपड़ा, है ना। क्या कहते हैं कि मन न रंगाए जोगी, रंगाए लियो कपड़ा, और दढ़िया बढ़ाए जोगी, बन गयो बकरा, समझ गए ना। कह रहे हैं कि आप मन, आपका मन शांत नहीं है, मन आपका साफ नहीं है, है ना। आप सिर्फ कपड़ा को रंग लिए, कपड़ा को गेरुआ कर लिए, है ना, आप दाढ़ी बना बढ़ा लिए इतना, है ना, और दाढ़ी बनाकर क्या बन गए, बकरा बन गए, लेकिन आप राम का नाम नहीं ले रहे तो आपको शांति नहीं मिलेगी, इस भवसागर से आप पार नहीं हो सकते। भवसागर समझते हैं, है? देखिए भवसागर के बारे में वो बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जब जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था तो माँ सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी तीनों जा रहे थे, तो एक बार नदी पार करना था, तो नदी पार कर रहे थे, केवट जो है वह नदी पर नाव लेकर के आया, लेकर के जा रहे थे। जब बीच नदी में जब पहुंचे तो केवट का नाव जो है ना वह डूबने लगा, है ना, केवट का नाव डूबने लगा। केवट को तो पता है कि हमारे नाव पर तो भगवान बैठे हुए हैं, है ना, उनको पता था। अब वो क्या कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब वो गीत के माध्यम से भगवान को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं भगवान बीच भवर में नैया डुबलो हमार बा, कोई न खे बने हार बाना, है ना। वो केवट जो है वह कह रहे हैं, कह रहे हैं हे ईश्वर कि हमारा नाव जो है वह इस नदी के बीच भवर में फंस गया है, है ना, और इस नदी को, नाव को पार करने वाला कोई नहीं, है ना, ये भगवान से कह रहे हैं। आगे क्या कहता है सुनिए, एक तो लंबी चौड़ी पाथ, दूजे नैया लगल कुघाट, तीजे
टूटले नैया के दोनों पतवार बा, कोई न खे बनी हार बाना। हंसी है नहीं, ध्यान से सुनिए, है ना। कह रहे हैं केवट जी, कह रहे हैं कि एक तो लंबी चौड़ी पात, यानी एक तो इस रास्ता जो है बहुत लंबा चौड़ा है ना, रास्ता जो है बहुत लंबा चौड़ा है ना। और दूसरा बात है, दूजे नैया लगल कुघाट, दूसरा बात है कि जो नाव है हमारा ये घाट पर नहीं गया है, नाव भी कहाँ हो गया है, कुघाट हो गया है। और तीजे टूटले नैया के दोनों पतवार, यानी तीसरा जो है, तीसरा जो है उन नैया का, नाव का जो पतवार होता है जिससे नाव खेपता है, वह नाव का पतवार भी क्या हो गया, टूट गया है। अब बीच भवर में जो है मेरा नाव फंस गया है, प्रभु आप इसको निकालिए, है ना। तो भगवान तो यह मन मन में सोच रहे हैं कि भाड़ा ने लिया है, किराया लेगा ना, नाव पर बैठे हैं तो तुमको तो पार करना होगा, है ना। उसके बाद फिर केवट कहता है, भगवान के चरणों में केवट चले गए। उसके बाद फिर कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं तो नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो, है ना। क्या कह रहे हैं कि मैं तो नदी नाल का केवट हूँ, यानी कभी केवट जी कह रहे हैं कि मैं नदी नाल का केवट हूँ, आप क्या हैं, भवसागर के मालिक हैं, है ना। केवट चलाक है, देखो क्या कह रहा है कि मैं तो नदी नाल का केवट हूँ, आप क्या हैं, भवसागर के मालिक हैं। फिर कह रहे हैं, मैं यहाँ पार लगाता हूँ, आप वहाँ पार लगा देना। यानी क्या कह रहा है कि मैं आपको यहाँ पार कर देता हूँ और आप हमको उस भवसागर रूपी मोह माया से क्या कर दीजिएगा, पार कर दीजिएगा। देखिए मोक्ष भी मांग लिया भगवान से, है ना। हाँ। यही था भवसागर, समझ गए। चलिए आगे आते, आगे है, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ तन नगन भय। यानी साधु लोग क्या करते हैं, जटा इतना दूर बढ़ा लेते हैं और देह में क्या लगा लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं और वस्त्र भी छोड़ कर क्या हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, है ना। नंगा बाबा को आप लोग देखे होंगे, हंस रहा है, जेते जिए जल जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। है ध्यान से सुनो, जेते जिए जंत थल जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। अब गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं कि आप जटा बढ़ा लिए है ना, शरीर पर भस्म लगा लिए हैं, आप नग्न हो गए हैं, लेकिन जेते जिए जंत जल थल महियल, जो जीव है वह जल थल और आकाश में आप कहीं भी जीवित हैं, है ना। गुरु प्रसादी राखले जन को हरि रस नामक झोली पिया। जितने भी जीव हैं वह गुरु का प्रसाद, गुरु का उपदेश रखते हैं और हरि रस नाम का क्या करते हैं, घोल पीते हैं, यानी हरि का नाम लेते हैं। अर्थ समझ में आ गया पहला कविता का। अब आते हैं हम दूसरा, दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि जो नर दुख में दुख नहीं, है ना। तो ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, है ना। कह रहे हैं कि वह मनुष्य, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, है ना, यानी दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं है, कंचन माटी जाने, यानी वह सोने को भी क्या समझता है, माटी के समान समझता है। कंचन का मतलब होता है सोना। नहीं कह रहा वह मनुष्य जो दुख में दुख नहीं, दुखी नहीं होता है, उदास नहीं होता है, और जो मनुष्य सुख में खुश नहीं होता है, स्नेह, अब किसी को ज्यादा प्यार से बोलिएगा, इज्जत से कहेगा, भाई तो हमारा लिए बहुत बढ़िया काम कहला, है ना। किसी दोस्त का आप बड़ाई कर दीजिए, कहेगा चल हमारा तरफ से दूगो समोसा एगो रसगुल्ला खीरी, है ना, कहेगा कि नहीं कहेगा। यही किसी का बुराई कर दीजिए, किसी का बुराई कर दीजिए, रे तुम हमको नहीं जानता है, है ना, कहेगा कि नहीं, हमको नहीं जानता है, हमारे बारे में तो बुराई कर दिया। तो गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वह मनुष्य
जो दुख में क्या करता है, दुख को नहीं मानता है, सुख को सुख नहीं मानता है, और स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी उसके पास जो है भय भी नहीं है, और सोने को क्या समझता है, मिट्टी के समान। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोह मोह अभिमाना, यानी निंदा और स्तुति है ना, अपनी बड़ाई और बुराई को जो है वह नहीं मानता है, और ना ही लोभ पर क्या करता है, लोभ के ऊपर अभिमान करता है। हरस शोक तय रहे निहारो, ना ही मान अपमाना, यानी वह जो है ए लड़का, हरस शोक तय रहे निहारो, ना ही मान अपमाना। वह कह रहे हैं कि हरस शोक, यानी वह ज्यादा हर्षित भी नहीं होते और ज्यादा शोक शोक भी नहीं मनाते, यानी ज्यादा दुखी भी नहीं होते हैं, और ना ही अपने अपमान मानते, यानी मान अपमान का उसको कोई चिंता नहीं है। वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, अभी आगे पता करिएगा। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, यानी जितनी भी आशाएं हैं इच्छाएं हैं सबको क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और इस जग में वह निवास करता है। काम क्रोध जे ही परसे नहीं न ते ही घट ब्रह्म निवासा, यानी जिसको काम करने, जिसके पास आलस्य नहीं है, क्रोध नहीं है, वैसे मनुष्य के पास जो है ब्रह्मा निवास करते, क्या करते हैं, ब्रह्मा निवास। कैसे मनुष्य के पास, तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय जिसके पास नहीं है, है ना, सोने को भी क्या समझता है, मिट्टी के समान समझता है, अपनी निंदा या स्तुति को नहीं मानता है, लोभ नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, ज्यादा हर्षित नहीं होता है, शोक नहीं मनाता है, और जो मनुष्य अपनी आशाओं को त्याग कर देते हैं वैसे मनुष्य के अंदर क्या करते हैं, ब्रह्मा निवास करते हैं। समझ गए ना, दो लाइन और बच्चे। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हे, तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कह रहे हैं कि गुरु की कृपा जिस पर हो गया है वह जग में पीछा भी है, पीछे भी है, फिर भी वह क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और नानक जो है कि अपने बारे में कह रहे हैं कि नानक लीन भयो गोविंद से, या गोविंद का अर्थ भी होता है क्या, भगवान, कि नानक जो है भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे कि पानी में पानी मिल जाता है। अब दो गिलास पानी लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, पता चलेगा कौन गिलास का पानी है। इसी प्रकार जो है गुरु नानक जी गोविंद के भक्ति में क्या हो गए हैं, लीन हो गए। समझ गए, फिर से समझा दे।